आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या है? कंसिडर दैट द टू कॉन्फिगरेशन आर गिवन, है ना। दिस इज फॉर इंस्टेंस ये वाला जो कॉन्फिगरेशन है, ये जो दिख रहा है ये हमारा ए कॉन्फिगरेशन है, और ये वाला जो है ये हमारा बी कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। अभी आपसे क्या पूछा गया है? टू कॉन्फिगरेशन, जैसे यू हैव टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, आपको फाइंड आउट करना है इसका जी एम आर। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द जी एम आर, यू हैव टू फाइंड आउट द जी एम आर, सॉरी जी एम आर, ठीक है। तो हम पहले इस वाले कॉन्फिगरेशन के लिए जी एम आर आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ये अपन को दिख के सर है ये किस प्रकार का, ये कंपोजिट कंडक्टर है। हमें पता है कि कंपोजिट कंडक्टर और बंडल कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, कि जो हमारा कंपोजिट कंडक्टर होता है, उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं और वो एक दूसरे से टच रहते हैं। और बंडल कंडक्टर्स क्या होता है, वो मेनी ऑफ द कंपोजिट कंडक्टर से बन सकता है, और उनमें एक एक कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस होता है, कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बंडल कंडक्टर्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट कंडक्टर्स है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से टच कर रहे हैं। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको इसका जी एम आर यानी कि ज्योमेट्रिक मीन रेडियस आइडेंटिफाई करना है अपन को इसका, है ना। तो जी एम आर का फॉर्मूला फॉर द ए हमको पता है, जी एम जस्ट अ मिनट, जी एम आर विल बी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है, तो ये हमारा जी एम आर आइडेंटिफाई कर रहे थे हम। जी एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम आर इज इक्वल्स टू इस कंडक्टर का खुद से डिस्टेंस, ये वाले कंडक्टर का, ये वाला जो कंडक्टर है इसका खुद से डिस्टेंस कितना हुआ, इफेक्टिव डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, आर डैश बोलते हैं। आर डैश का क्या वैल्यू होता है, 0.7788 इंटू द रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर, यानी कि 0.5/2। ये इसका इसमें तो सॉरी 0.5 तो इसका रेडियस ही दिया हुआ है, तो हम इसको 0.5 ही ले लेंगे, ठीक है, इंटू इस कंडक्टर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आर है, ये वाला आर है और ये वाला भी आर होगा, तो ये जो नेट डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, 2R। सिमिलरली इस कंडक्टर का दूसरे वाले, इस वाले कंडक्टर से डिस्टेंस ये भी कितना आएगा आपका, 2R। तो हम उसको यहाँ पे 2R 2R लिख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे को हम आर लिख लेंगे, और यहाँ पे कितना है, एक जो है डिस्टेंस वो 2R है और दूसरा वाला डिस्टेंस भी कितना है, 2R है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ 0.7788 इंटू 2 × 4R³, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 × 2 = 4 और R³, तो R³ तो फ्री हो गया, बाहर आ गया R³, बचा क्या अंदर, ये वाला 0.7788 इंटू 4 क्यूब रूट। तो इसको हम क्या, 7788 इंटू 4 का हमको क्या निकालना है, इतना आंसर आ गया, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट ऑफ दिस इज हाउ मच, 1.4604, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1.4604, ठीक है। और 1.4604 इंटू जो रेडियस है, रेडियस कितना है, ये क्यूब रूट का था तो ये तो क्यूब तो हट ही गया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया आपका, रेडियस कितना होगा, इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और देख लेते हैं इसी वैल्यू को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.5 से। हमारा आंसर आता है 0.302, फाइनल आंसर जी एम आर कितना आ रहा है, 0.7302।
ठीक है, ये किसका है, ये ए वाले का जीएमआर निकला। सिमिलरली हमको बी वाले का भी जीएमआर निकालना है, इसी मेथड से हम बी वाले का भी जीएमआर निकाल लेंगे। वो क्या होगा, जी एम आर फॉर दिस बी वाला जो कंपोजिट कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से इसका खुद का जो, क्योंकि यहाँ पे फोर कंडक्टर से तो किसका कितना आ जाएगा, ये फोर्थ रूट ऑफ है ना डिस्टेंसेस सारे। इस कंडक्टर का खुद से डिस्टेंस कितना है, आर डैश। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका कितना, सॉरी इफेक्टिव रेडियस कितना आएगा इसका, आर डैश, यानी कि 0.77 0.7788 इंटू आर इंटू इस कंडक्टर का, ये सेकेंड वाले कंडक्टर से डिस्टेंस ये कितना आएगा, 2R आएगा। और सिमिलरली इस वाले कंडक्टर से डिस्टेंस कितना आएगा, 2R आएगा। और इस वाले कंडक्टर का इस थर्ड कंडक्टर से डिस्टेंस, ये हमें यहाँ पे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ये R, ये 2R और ये 2R, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2√2R वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, 2R, 2√2R × 2R × 2R। जो कि वैल्यू फाइनल आएगी आपकी फोर्थ रूट ऑफ, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी फाइनल, इसकी वैल्यू आ रही है 1.7228 × 0.5 will give you the answer as 0.8614। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, इसके अंदर क्या पूछ रहा है वो, अ ट्रांसमिशन लाइन हैविंग डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर और उसका म्यू आर कितना दिया हुआ है, 4, प्रोड्यूस्ड इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ 0.8 μH पर मीटर, इट इज रिप्लेस्ड, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय एन ACSR, है ना, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर से हमने उस रेगुलर ट्रांसमिशन लाइन को रिप्लेस कर दिया। अब उसका म्यू आर आ रहा है 3, ठीक है, विथ द, ये म्यू आर है, ओके, ये म्यू आर है, म्यू आर इज इक्वल्स टू थ्री विथ द सेम साइज, देन द इंटरनल इंडक्टेंस विल बी, इंटरनल इंडक्टेंस इसका क्या होगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि इंटरनल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटरनल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 8 × π, ओके। तो हम इसमें से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एल इंटरनल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने म्यू आर के बराबर, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट जो रहता है वो तो है ना परमेबिलिटी, म्यू आर आपका क्या होता है, परमेबिलिटी होता है, तो जो एयर का परमेबिलिटी होता है वो सभी का सेम ही रहेगा, लेकिन जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो अलग अलग आ रही है। एक कंडक्टर एक जगह पे जब ट्रांसमिशन लाइन ले रहे हैं उसमें म्यू आर की वैल्यू 4 बता रहा है, दूसरे वाले में म्यू आर की वैल्यू ये हमें बता रहा है 3 हो गया है, तो उसमें क्या चेंज आया है इंटरनल इंडक्टेंस में, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो जो हमारा L1 है वो मान लीजिए वो प्रोपोर्शनल है म्यू आर 1 के, और जो हमारा L2 है वो प्रोपोर्शनल है म्यू आर 2 के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका रेशियो म्यू L1/L2 विल बी इक्वल्स टू μR1/μR2। विच इज इक्वल्स टू 0.8 अपॉन, विच इज इक्वल्स टू 0.8 अपॉन L2, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना L1 की वैल्यू कितनी 0.8 आ रही है, L2 हमें आइडेंटिफाई करना है, म्यू आर 1 की वैल्यू 4 थी और म्यू आर 2 की वैल्यू 3 है, तो इससे हम इजीली L2 फाइंड आउट कर सकते हैं,
कितनी वैल्यू होगी उसकी, पॉइंट सॉरी 4.08 है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो 0.08 इंटू 3, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको डिवाइड करना है बाय 4, यू गेट 0.06। ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 0.06 म्यू हेनरी पर मीटर। ठीक, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इन जो इंटरनल इंडक्टेंस है वो पहले केस से, अब जब हमने म्यू आर को रिड्यूस कर दिया तो स्मॉल आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।